hello students today we are going to discuss about the aggregates of national income so let's start with the topic so basically we have eight aggregates of national income now let's see all of them the first one is gdp at mp or gross domestic product at market price the second one if we start is that is NDP at MP or net domestic product at market price the third one is GNP at MP or gross national product at market price the fourth one is NNP at MP or net national product at market price the fifth one is GDP at FC or gross domestic product at factor cost the sixth one is NDP at FC or net domestic product at factor cost the seventh one is GNP at FC or gross National Product at Factor Cost and the eighth one is NNP at FC or Net National Product at Factor Cost. So ये सारे eight के eight aggregates हमें पता होना चाहिए and we should also know के कैसे हमें एक aggregate से दूसरे aggregate पे जा सकते हैं, right? That what will be the formula हमें क्या plus करना होगा, क्या minus करना होगा, किसमें क्या included है, किसमें क्या excluded है, so that

जिसमें से द फर्स्ट वन दैट इज द वैल्यू एडेड मेथड एंड द सेकेंड वन योर एक्सपेंडिचर मेथड उन दोनों ही मेथड के अंदर आपको वेन यू विल पुट द फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा जी डी पी एट एम पी और जिससे आपको कहाँ तक पहुंचना होता है टिल एन एन पी एट एफ सी दिस इज द वेरी बेसिक वन जिसमें आपको पता होना चाहिए जी डी पी किसे कहते हैं जी डी पी एट एम पी पी क्या क्या इंक्लूडेड होता है

एमपी अच्छा इसको एमपी का मतलब क्या है ये मार्केट प्राइस के ऊपर दट right? अच्छा, uh, हमारी इकोनॉमी में बेसिक द सेकेंड इज सेकेंडरी एंड दर्ड वन इजर्सरी ये तीनों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं इनके प्रोडक्शन की क्या लूंगी वैल्यू लूंगी प्राइमरी सेक्टर में कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दुपीज सेकेंडरी सेक्टर में कितना वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है टर्शरी में कितने वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है और जब मैं इन तीनों वैल्यू को क्या कर देती हूँ टोटल कर लेती हूं जैसे कि यहां पे टेन थाउजेंड का प्रोडक्शन यहाँ पे फाइव थाउजेंड का प्रोडक्शन यहाँ पे फाइव थाउजेंड का प्रोडक्शन जब मैं इन तीनों को टोटल कर लूंगी सो मैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विल बी माई जी डी पी बेसिकली so जीडीपी क्या बता रहे कि मेरी इकोनॉमी के अंदर कितने फाइनल गुड्स एंड मेरी इकॉनमी के अंदर जो प्रोडक्शन हुई है राइट? Right? Right? So, मेरा जीडीपी ओके लेट्स सी द एस्पेक्ट्स फर्स्ट वन ग्रॉस का मतलब क्या होता है इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसके अंदर आपने अभी डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करा है मतलब आपकी जो वैल्यू वाई है इसके अंदर डेप्रिसिएशन क्या है अभी इंक्लूडेड है सेकंड डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है वो कहाँ हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई है मतलब जो विदिन योर डोमेस्टिक टेरिटरी जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है अभी आपने क्या करा है बस उसी को ही इंक्लूड द थर्ड वन मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके अंदर नेट टैक्सेस अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है इंक्लूडेड है मतलब अभी आपने उनमें से अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट नहीं करा है नॉट इनडायरेक्ट टैक्सेस आई शुड से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस योर सब्सिडीज तो आपने अभी उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करा है और उनमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है अभी इंक्लूडेड है दिस इज माई एग्रीगेट वन अगर आपको फर्स्ट एग्रीगेट अच्छे से आएगा तो बाकी सारे एग्रीगेट आर सुपर इजी फॉर यू सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन दीडीपीआर क्या होता है राइट नॉन लेट्स मूव वॉन्ट टू द सेकेंड एग्रीगेट इज एनडीपीआरपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अब देखिए ये जी डी पी से ही आया है बस जी डी पी में क्या था इफ यू कैन सी जीडीपी था हमारा मार्केट प्राइस पे अब यहाँ पे जीडीपी के बदले क्या है यहाँ पे ग्रॉस के बदले क्या है नेट है दिस इज द ओनली डिफरेंस यहाँ पे भी डोमेस्टिक पे है और यहाँ पे भी मार्केट प्राइस पे यहाँ पे भी डोमेस्टिक पे था यहाँ पे मार्केट प्राइस पे था बस वहां पे क्या था ये ग्रॉस में था और यहाँ पे क्या था नेट में था अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो देखिए दैट एनडीपी एट मार्केट प्राइस रेफर्स टू नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल बाई फाइनल गुड्स एंड

जीडीपी में हम क्या ले रहे थे ग्रॉस वैल्यू ग्रॉस का मतलब क्या होता था, था कि डेप्रिसिएशन क्या है इंक्लूडेड है और नेट का मतलब क्या है डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है तो अभी हमने एक नई चीज सीख ली दैट अगर मेरे पास जीडीपी गिवन है और मुझे एनडीपी पे जाना है मतलब अगर मेरे पास ग्रॉस वैल्यू गिवन है और मुझे नेट वैल्यू पे जाना है तो मैं क्या कर दूंगी डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी So, जैसे ही मैंने अपनी ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगी नेट वैल्यू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर नेट का मीनिंग होता है दैट इट इज कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन जब मैं अपनी ग्रॉस वैल्यू में से मैं क्या कर देती हूँ डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देती हूँ ग्रॉस में से सो so, मेरे पास जो आती है वैल्यू दैट विल बी माई नेट वैल्यू

और अगर उसमें डेप्रोसिशन क्या है एक्सक्लूडेड है तो वो किसमें आ जाएगा नेट पे नॉलेज third aggregate is basically GNP एट MP or Gross नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नाउ वैसे मैं मैंने बोला था दैट हमारा बेस क्या रहेगा जीडीपी और जीडीपी से ही हम सब कुछ क्या करेंगे रिलेट करेंगे जब हमने जीडीपी पढ़ा था उसमें क्या था जीडीपी एट मार्केट प्राइस अब देखते हैं सिमिलर क्या क्या है ग्रॉस पे इंक्लूडेड है यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है डिफरेंस मतलब oh, क्या है ये नेट पे है एंड ये कहा है डोमेस्टिक पे ये भी मार्केट प्राइस पे है और ये भी मार्केट प्राइस पे है तो हमें डिफरेंस मिल गया दैट मीनस

वो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं होगी यहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंस भी आएंगे मतलब यहाँ पे वो सामान भी आएगा या वो इनकम भी आएगी जो आपको बाहर से मिल रही है और आप वो इनकम भी डिडक्ट करोगे जो क्या हो रही है जो आपकी बाहर जा रही है राइट सो जीएनपी एट एमपी में आप क्या करोगे आप नेशनल लेवल पे अपने इनकम को कैलकुलेट करोगे नेशनल लेवल पे कैसे करोगे आप ऐड कर दोगे वो इनकम दैट इज नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड वो इनकम ऐड कर दोगे जो आपको एब्रॉड से आ रही है और वो इनकम माइनस कर दोगे जो आप एब्रॉड भेज रहे हो ठीक है और इसका जो नेट इनकम आती दैट इज कॉल्ड एज NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो आप क्या करोगे NFIA को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जीएनपी एट एम पी सो इसका मतलब क्या है अगर मेरे पास जी डी पी गिवन है मार्केट प्राइस पे और मुझे बोला जाए दैट यू हैव टू कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस तो मुझे क्या करना है मुझे सिंपल सिंपल क्या करना है मेरा एन एफ आई ए को प्लस करना है एनएफआईए बेसिकली इनकम जो मुझे क्या मिली है फॉरेन इकोनॉमी से या फिर बाहर से मुझे रिसीव हुई है उसकी नेट इनकम राइट Now let's see the aggregates. इसके further aspects जो है the first one gross का means that it has not made any provision for depreciation. अभी अपने depreciation ko deduct nahi kar raha. है. National important आपने यहाँ पे वो amount लिया है जो आपके normal residents ने क्या कर रहे produce कर रहे and market price का simple meaning that indirect taxes अभी इसमें क्या है included है right? तो इसमें एन क्या है आपका इंक्लूडेड है सो आई गेस दिस मच इज क्लियर ये समझ आ गया होगा आपको कि अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है सॉरी हाँ तो मैं एनएफआईए क्या करूंगी माइनस कर दूंगी और अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मैं एन एफ आई क्या कर दूंगी राइट दिस मच इज क्लियर नो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्रीकेट नेक्स्ट एग्रीगेट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अब इसको भी अगर मैं जी से ही रिलेट करें अब ये नेट पे था ये ग्रॉस पे है ये डोमेस्टिक पे था ये नेशनल पे है ये एम पी है ये भी एम पी है चलो पहले हम इसके डेफिनेशन देखते हैं देन वी विल सी द फॉर्मूला ऑलरेडी हम ये दो डिस्कस कर चुके हैं बस उसको हम कंबाइन करना है

हम ये बोल सकते हैं दैट इन एनएनपी एट एमपी डेप्रिसिएशन क्या होता है इंक्लूडेड होता है और एनएफआईए क्या होता है इंक्लूडेड होता है राइट right? सो so, इस तरह से हमें फॉर्मूला भी समझ आया और ये एग्रीगेट भी समझ आया नाउ सी द फर्दर एस्पेक्ट्स नेट कम इन क्या है द डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड द नेशनल मींस गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड मार्केट प्राइस मींस

सिंपल सी चीज है जब हमारा मार्केट प्राइस पे था इसका मतलब क्या था हमारे जो वैल्यू है उसके अंदर क्या था एनआईटी इंक्लूडेड था अब मैं क्या करूंगी मैं इसमें से एनआईटी को क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी जिससे मैं क्या कर जाऊं फैक्टर कॉस्ट पे आ जाऊं बिकॉज़ मैं फैक्टर कॉस्ट इज मनी वैल्यू जो एक्चुअली में पेमेंट हो रहा है राइट सो मार्केट प्राइस के अंदर मैं क्या करती हूँ जब अपना नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है फैक्टर कॉस्ट। का मतलब सेम को को कोई प्रोविजन नहीं है depreciation deducted नहीं है। डोमेस्टिक मींस आपके सारे सर्विस डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं एंड फैक्टर कॉस्ट मींस कि आपके गुड्स की वैल्यू के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है तो याद रखना है आपको कि जब भी आपको मार्केट प्राइस से कहा जाना है फैक्टर कॉस्ट पे तो यू विल डिडक्ट एन और आपको जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या कर दोगे एड एन आई टी फाइन याद रहेगा गुड नॉलेज मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एग्रीके नेक्स्ट एग्रीकेट एनडीपीट एफ सी और इनकम भी बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस काफी बार क्वेश्चन में बोला जाता है इनकम जब बच्चों को समझ नहीं आता डोमेस्टिक इनकम कैसे है? so, domestic income लिखते हैं डोमेस्टिक इनकम लिखते हैं हम एन डी पी एट एफ सी दट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट

GNP at FC or we can say gross national product at factor cost अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी net gross value बतानी है of the final goods and services right जो आपकी money value के ऊपर based है and they are being produced by the normal residents fine final goods and services की वो value जो money पे जो आपकी factor cost पे है

ऐड करा, करा, करा हुआ है एंड फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब इसके अंदर आपने एन को इंक्लूड नहीं करा हुआ मतलब एनआईटी को ऑलरेडी एक्सक्लूड तो यहां पे एक और क्वेश्चन का होमवर्क मिलता है आपके लिए दैट यू हैलक्यूलेट जी डी पी एट एम से जी एन पी एट एफ सी कैसे जाएंगे राइट यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स एंड डू शेयर दिस विद मी next aggregate the aggregate number 8 or the final aggregate is net national product at factor cost that is your national income so it is basically the final value of all the goods and services right which are being produced by the normal residents of a country and it is being valued at factor cost जिसको हम और क्या बोलते हैं नेशनल इनकम और नेशनल इनकम को लिखते कैसे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज nnp at fc